नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं खबर दिन भर का बुलेटिन, मैं हूं आपके साथ ऋतु ज्ञानवानी। गुना में केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया नाराज हो गए हैं, एसपी कलेक्टर की क्लास लगाई है। सिस्टम नहीं बनाया, ऐसा नहीं चलेगा। मिलने पहुंचे लोगों को परेशानी हुई थी, नागरिकों को नहीं होनी चाहिए परेशानी, ये भी सिंधिया ने कहा है। कलेक्टर और एसपी साहब कहाँ है? कनेक्ट साहब कहाँ है? ये ज्यादा अच्छा है, मैं उधर ही करूँगा। आप लोग अंदर आ जाइए। कलेक्टर और एसपी साहब कहाँ है? अंदर आ जाइए। मैंने पिछले बार आप दोनों को कहा था कि सिस्टम बनाने के लिए जनसंपर्क के लिए नहीं, ये नहीं चलेगा। जब मैंने कहा है आपको सिस्टम बनाने के लिए, बना के रखिएगा अगली बार से। पंडाल बड़ा लगना चाहिए, किसी को कोई कठिनाई नहीं होनी चाहिए, समझ गए आप? चलिए अब पंडाल लगाइए, जनता को कोई कठिनाई नहीं होनी चाहिए। तो तस्वीरें आप देख रहे हैं, केंद्रीय मंत्री सिंधिया गुना पहुंचे और कलेक्टर एसपी को फटकार भी लगाई है कि सिस्टम आखिर क्यों नहीं बनाया जाता, लोगों को परेशानी क्यों होती है, इसी को लेकर के फटकार लगाते हुए नजर आए। ज्यादा जानकारी के लिए सहयोगी अशोक हमारे साथ जुड़ गए हैं। अशोक, एक्शन मोड में है, एक्शन मोड में सिंधिया है और लोगों को परेशानी ना हो इसके लिए लोगों से मिल भी रहे हैं, बातचीत भी कर रहे हैं। लोगों ने परेशानी बताई थी पिछली बार भी और उनका समाधान भी नहीं हुआ, सिस्टम नहीं बना, इसी को लेकर के फटकार कलेक्टर एसपी को। देखिए, मैं आपको बता दूं कि ये केंद्रीय मंत्री ज्योतिराज सिंधिया केंद्रीय मंत्री बनने के बाद इस समय अपने संसदीय क्षेत्र के दौरे पर हैं। जब वो गुना में थे उस समय जब उनसे पब्लिक मिलने के लिए आई तो उसे पूरी परेशानी का सामना करना पड़ रहा था। इसी पर उन्होंने कलेक्टर और एसपी को बुलाया और कलेक्टर से साफ शब्दों में कहा कि आपको पहले ही बताया गया था कि यहाँ पर आने वाले लोगों को किसी प्रकार की परेशानी ना हो, उनकी उचित प्रबंध किया जाए, बड़ा टेंट लगाया जाए। तो ये सब कहते हुए सिंधिया जी नजर आए और आगे से सारी व्यवस्था, अच्छी व्यवस्था करने के उन्हें निर्देश भी दिए। जी ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी को साझा करने के। धमतरी तहसील कार्यालय में एसीबी की रेड पड़ी है। नायब तहसीलदार ले रहा था 50,000 की रिश्वत। बता दें आपको, कब्जा खारिज करने के लिए रिश्वत मांगने के आरोप इस पर हैं और आपको बता दें कि एसीबी की रेड पड़ी है। नायब तहसीलदार 50,000 की घूस ले रहा था और ये बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है। कब्जा खारिज करने के लिए रिश्वत की मांग की गई थी, यही आरोप लग रहे हैं और एसीबी ने रेड मारी है तहसील कार्यालय पर। धमतरी तहसील कार्यालय में इस वक्त हम खड़े हैं और अंदर देखिए एंटी करप्शन ब्यूरो की कार्रवाई चल रही है। यहाँ पर एंटी करप्शन ब्यूरो यहाँ के नायब तहसीलदार खीर सागर बघेल को रिश्वत लेते रंगे हाथों पकड़ा है। 50,000 की रिश्वत लेते पकड़ा गया है उन्हें और एसीबी की टीम बाहर भी बैठी जो हमें अंदर जाने से रोक रही है। और आपको बताना चाहूँगा, पूरे ज़मीन के लेन देन का मामला है कि पोटियाडी गाँव में ज़मीन पर कब्जा हुआ था और उस कब्जे पर आशीष गोयल नाम के व्यक्ति ने आवेदन लगाया था कब्जा छुड़ाने के लिए और उसी जमीन पर कब्जा दिलाने के लिए नायब तहसीलदार खीर सागर बघेल पर 50,000 रुपए रिश्वत मांगने के आरोप लगे थे। इसकी शिकायत एसीबी में की गई और तब जाकर एसीबी ने आज अभी कार्रवाई की है। अभी भी कार्रवाई इस वक्त जारी है। अभिषेक पांडे, न्यूज 18 धमतरी। उमरिया में किसान के साथ बदसलूकी हुई है, नायब तहसीलदार ने बदसलूकी की। बता दें सीएम हेल्पलाइन में शिकायत से नाराज थे, किसानों की भीड़ बढ़ने पर तेवर बदल गए, अपने बैग की जो है तलाशी देने लगे, नामांतरण के लिए रिश्वत मांगी थी, रिश्वत को लेकर किसान ने शिकायत की थी। नायब तहसीलदार मानपुर तहसील में पदस्थ है और अब ये वीडियो भी सामने आया है। मोबाइल अपना
अंबिकापुर में वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने कांग्रेस पर निशाना साधा, कहा कि जो प्रदेश में माफिया राज चल रहा था उसके बदले विष्णु देव सरकार गुड गवर्नेंस की सरकार बनना चाहती है और इसके लिए अधिकारियों को सरकार की मंशा के अनुरूप कार्य करना बेहद जरूरी है। मैं अंबिकापुर सरगुजा जिले में आया हूं और हमारे पार्टी के सभी वरिष्ठ जनों से, हमारी महिला मोर्चा से, युवा मोर्चा से, ओबीसी मोर्चा, किसान मोर्चा, एससी मोर्चा, एसटी मोर्चा, सभी लोगों से मुलाकात हुई है और प्रशासनिक रूप से भी एक बैठक मैं लेने जा रहा हूं ताकि प्रशासनिक व्यवस्था भी बेहतर चले, सरकार की मंशा को प्रशासनिक अधिकारी कर्मचारी भी समझें और जो माफिया राज था उसके जगह गुड गवर्नेंस की स्थापना के लिए जो हम प्रयास कर रहे हैं उसमें अधिकारी कर्मचारियों की भी सार्थक पहल हो, इसका भी हम स्पष्ट संदेश देंगे। और इसी बीच बड़ी जानकारी आपको दें, 5 दिन में खत्म हुआ है एमपी विधानसभा का मॉनसून सत्र, कार्यवाही अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दी गई है। 19 जुलाई तक ये मॉनसून का सत्र चलना था, 3,65,000 करोड़ का बजट इसमें पास हुआ है। आपको बता दें, बड़ी जानकारी दे रहे हैं, इस वक्त 5 दिन में ही एमपी विधानसभा का मॉनसून सत्र खत्म हो गया, कार्यवाही अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दी गई है। 19 जुलाई तक चलना था मॉनसून सत्र पर 5 दिन में ही खत्म हो गया और इसमें 5 दिन के अंदर 3,65,000 करोड़ का बजट पास हुआ। छत्तीसगढ़ विधानसभा मॉनसून सत्र को लेकर स्पीकर रमन सिंह ने कहा है कि सत्र की तैयारियों की शुरुआत हो चुकी है, कम समय का सत्र है, ध्यानाकर्षण में कई विषयों पर चर्चा होगी, मॉनसून सत्र महत्वपूर्ण रहेगा। सुनिए क्या कुछ कहा है। ग्वालियर में नाबालिग की हत्या के मामले में आरोपी कपिल यादव को जमानत मिल गई है। जेल से छूटने के बाद कपिल के समर्थकों ने जमकर जश्न मनाया और उसी के साथ ही 20 से 25 गाड़ियों का काफिला चला। कपिल के साथियों ने वीडियो को इंस्टाग्राम पर डाला, वीडियो में ये लोग ट्रैफिक नियमों की धज्जियां उड़ाते नजर आए। वीडियो के वायरल होने के बाद पुलिस ने इस मामले में FIR दर्ज की, कड़ी कार्रवाई करने की बात भी कही। कपिल यादव पर कई अपराध दर्ज है। वो एक एक्टिव क्रिमिनल है, जेल से छूटने के बाद उसके उसके साथियों ने जो गतिविधियां की है वो संदिग्ध है, हमारी टीमें लगातार उसकी निगरानी कर रही है, जो एक्टिविटी हुई है उसका संज्ञान लेके उसके अगेंस्ट में केस रजिस्टर किया गया है, सभी लोगों को आइडेंटिफाई कर रहे हैं जो उसके एसोसिएट थे और उसके साथ में थे। इसके अलावा जो प्रेम ऑफिशिया हमको लग रहा है जो जमानत की जो शर्तें थी माननीय न्यायालय ने जो निरूपित की थी उनका उल्लंघन भी संज्ञान में आ रहा है, उस पर हम लोग कार्रवाई कर रहे हैं। इस प्रकार